नेशनल रंडी रोना स्टार्ट कर दिया है। अब इनका नासर हुसैन, इनका माइकल वान, इनका किवन पीटरसन, इनका मोनिटी पेनासार, इन चारों ने मिलके अब वही या वो फूडी डाल दिया है। इन चारों ने मिलके वही रोना शुरू कर दिया है, कहती पिच गलत थी, कहती अंपायरिंग खराब हुई है। अच्छा बैन स्टोक्स, बैन का स्टोक्स कह रहा है, अभी मैं उसकी वीडियो देख के आया हूं, मैच के बाद उसने एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि अंपायरिंग बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास की गई है। ओ भाई घंटे की अंपायरिंग की गई है, ठुक गए हो आप। मेरी बात सुन, तेरे नासर हुसैन ने बोला था ना, दूसरे टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था तो नासर हुसैन ने क्या बोला था कि यार इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, विराट कोहली के बगैर इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। किधर गया मेरा टंडो? एक्साइटमेंट नहीं तुझे दी उसने जसवाल ने। एक्स क्रिकेटर्स तक जा रही है, उनके मीडिया के ऊपर जा रही है, और ऐसा फील हो रहा है उनको कि भाई ये जो जिस मतलब बेसबॉल की हम बात कर रहे थे उससे नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट इस वक्त इंडियन टीम खेल रही है और इंडियन यंगस्टर्स खेल रहे हैं। और इस बार वो वाला मामला भी नहीं है कि कोई पिचेस वाला मामला है, कोई मतलब स्लो टर्नर बनाए हुए हैं, कुछ इस किस्म के मामले, मतलब प्रॉपर पिचेस के ऊपर, प्रॉपर सपोर्टिंग पिचेस के ऊपर टूर्नामेंट ये जो सीरीज है ये करवा रहा है बीसीसीआई, और बड़े हौसले और हिम्मत के साथ करवा रहा है मैं। और वही वजह के फिर यंगस्टर्स के अंदर टैलेंटेड टैलेंट तो है। और यंग एक और भी बात है ना कि जो इंडिया के यंगस्टर है जब उनको चांस मिलता है और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उसको ग्रैब भी दोनों हाथों से करते हैं। अगर आप सरफराज की भी बात कर ले, पहली इनिंग में भी उन्होंने 50 की, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने रन किए। आप जसवाल की बात कर ले वो भी लगातार रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दाऊद साहब इन दो सिस्टम में फर्क जरूर है कि इंडिया का यंगस्टर जब आता है वो परफॉर्म करता है और पाकिस्तान का यंगस्टर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता। मुझे ये जानना कि ऐसा क्या फिल्टर लगा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत से 434 की हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहने लगा कि भारत में अंपायरिंग डिसीजन गलत हो रहे हैं और इसी के कारण इंग्लैंड टीम को हार नसीब हुई। जहां पर भारत ने इस टेस्ट सीरीज को 2-1 से लीड कर रहा है और 5 मैच की टेस्ट सीरीज में ऐसा लग रहा है कि भारत आराम से इंग्लैंड को हरा देगा। वे पर नासिर हुसैन और माइकल वॉन का गुस्सा बेसबॉल के ऊपर आखिर में निकल ही गया। इन दोनों का कहना है कि सेंसेबल क्रिकेट खेलना इस क्रिकेट की डिमांड है। अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलते रहेगा तो ऐसे ही सीरीज हारेगा और मैचेस भी, क्योंकि अगर वो सेंसिबल क्रिकेट खेलकर तीसरा और चौथे दिन खेलते तो इस मैच को ड्रॉ किया जा सकता था। पर जिस तरीके से अननेसेसरी शॉट्स खेलकर इंग्लैंड के प्लेयर्स आउट हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनको इस मैच का नतीजा चाहिए ही नहीं और वो आनन पानन पे अपने विकेट फेंक रहे थे। और यही कारण है कि अब बेसबॉल का अप्रोच पूरे इंग्लैंड को चुभने लगा है। इस बेसबॉल ने ही इंग्लैंड को 3-0 से पाकिस्तान के खिलाफ जीत प्राप्त की थी, पर पाकिस्तान के बॉलर्स इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इंग्लैंड को रोक पाए। पर जैसे ही भारत में आए तो भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी बैटिंग ऑर्डर को उनके कंडीशंस में रोक सकते हैं और वो पीछे से आकर इस टेस्ट सीरीज को 2-1 से लीड कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। सबसे बड़े इंतहाई दिनों के बगैरत इंसान के ऊपर जिसका नाम है माइकल वॉन, इस बंदे ने ट्वीट की और इसकी ट्वीट भी मैं लेके आया हूँ। इसने दो ट्वीट की थी। एक इसने ट्वीट की थी जब इंडिया ने टारगेट दिया तो ये बोल रहा था कि यार इंडिया 135 ओवर खेलने हैं इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ये टेस्ट मैच को ड्रॉ के लिए मत जाना, इसको चेज करना। अब फिर इसने दूसरी ट्वीट किया जो हार के बाद इसने ये बोला है कि इन इंडिया इंग्लैंड अभी भी फेवरेट्स है। वो मेरे दिमाग पे मारो, ये क्या कह रहा है? इन इंडिया जो दो टेस्ट मैच रह गए हैं इंग्लैंड अभी भी फेवरेट्स है टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। मेरे छनकना की जगह मेरा छनकना जीतेगा इंग्लैंड।
बेटा बाजा तोड़ दिया मैंने, मेरा छनकना जीतेगा इंग्लैंड, मेरा छनकना बेटा जीतेगा इंग्लैंड, नहीं जीतना इंग्लैंड ने। मतलब ये क्या ठंड किस्म की बगैरत हरकतें के दो टेस्ट मैच रह गए और ये बात कर देना कि इंग्लैंड जीत जाएगा। मतलब इंडिया बेटा 434 रन से आपको उन्होंने रगड़ा है। किवन पीटरसन ने क्या स्टेटमेंट दिया, किवन पीटरसन ने तो भाईजान उसकी तो मैं पहले लेके आता हूं ना, इसने बोला था कि इंडिया के सामने, इंग्लैंड के सामने जो इंडिया की बैटिंग है ना वो बिल्कुल फारग है। इसने बोला था कि इंडिया की बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया की बैटिंग में मैच विनर नहीं है। ये जो जयसवाल ने 200 मारा है, ये जो सरफराज ने पहली इनिंग में भी तेरी बहन निकाली और दूसरी इनिंग में भी तेरी बहन निकाली, आगे बेसबॉल उसने बराबर खेली है, आप लोग तो छनकने की बेसबॉल खेल रहे हो, और उसके बाद जो गिल ने 91 मारा है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है क्रिकेट इंग्लैंड के लिए, और ऑब्वियसली वो अब परेशानी जो है वो टीम से बाहर निकल के एक्स क्रिकेटर्स तक जा रही है, उनके मीडिया के ऊपर जा रही है, और ऐसा फील हो रहा है उनको कि भाई ये जो जिस मतलब बेसबॉल की हम बात कर रहे थे उससे नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट इस वक्त इंडियन टीम खेल रही है और इंडियन यंगस्टर्स खेल रहे हैं। और इस बार वो वाला मामला भी नहीं है कि कोई पिचेस वाला मामला है, कोई मतलब स्लो टर्नर बनाए हुए हैं कुछ इस किस्म के मामले, मतलब प्रॉपर पिचेस के ऊपर, प्रॉपर सपोर्टिंग पिचेस के ऊपर ये जो सीरीज है ये करवा रहा है बीसीसीआई, और बड़े हौसले और हिम्मत के साथ करवा रहा है। मैं क्रेडिट देता हूं बीसीसीआई को कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी टफ टाइम दिया है कि भाई अगर तुमने कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो भूल जाओ कि अब हम तुम्हें वो वाला एनवायरनमेंट देंगे जो पहले तुम्हें मिलता था कि तीसरे दिन में तुम क्रिकेट टेस्ट मैच तुम खत्म कर लेते थे और अपने मुल्क के अंदर वाइट वॉश करते थे, अब वो वाला माहौल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मुकाबला करना है दुनिया का और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है और अपने आप को प्रूव करना है, और दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक टीम तुम्हारे पास आ रही है जिसका तुम्हें सामना करना है, और मैं ये समझता हूं कि वो कमाल किया है। और आप देखो कि किस तरीके से ग्रूम किया गया, रवि बिश्नोई को आप देखो कैसे प्रॉपर चांस मिले, तो इंडिया अपने यंगस्टर्स को चांस देने से बिल्कुल कतराता नहीं है, और वही वजह है कि फिर यंगस्टर्स के अंदर टैलेंटेड टैलेंट तो है। और यंग एक और भी बात है ना कि जो इंडिया के यंगस्टर है जब उनको चांस मिलता है और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उसको ग्रैब भी दोनों हाथों से करते हैं। अगर आप सरफराज की भी बात कर ले, पहली इनिंग में भी उन्होंने 50 की, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने रन किए। आप जयसवाल की बात कर ले, वो भी लगातार रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाऊद साहब इन दो सिस्टम में फर्क जरूर है कि इंडिया का यंगस्टर जब आता है वो परफॉर्म करता है और पाकिस्तान का यंगस्टर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता। मुझे ये जानना कि ऐसा क्या फिल्टर लगा हुआ है कि एक यंगस्टर आपका पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल वो करता ही कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कल हफीज ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बाबर को वन डाउन में मनाने के लिए 2 महीने लगे। बिल्कुल उन्होंने कहा मुझे बाबर आजम को वन डाउन पे लाने के लिए 2 महीने लगे। एग्जैक्टली वही अगर मैं अब इस बात पे आता हूं मैं दोबारा, और फिर कहते हैं कि उसके बाद बाबर आजम माने और मैंने उनको बोला कि आप पहले खिलाड़ी नहीं हो, ये हफीज ने बोला, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड है उनकी बात। उन्होंने कहा, उन्होंने टीवी पे बैठ के उन्होंने बात की,